स्वागत है आपका एशिया न्यूज इंडिया में और मैं हूँ आपके साथ वंदना। भारतीय जवान से भरी बस खाई में गिरी जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। यह खबर लद्दाख की है। बस 50 से 60 फीट नीचे गहराई में गिरी। पूरी घटना की जानकारी आइए जानते हैं इस झलक में। लद्दाख से बड़े हादसे की खबर आई है। शुक्रवार यानी कि 27 मई को 26 जवानों से भरी एक बस नदी में गिर गई। बताया गया है कि इस हादसे में भारतीय सेना के 7 जवानों की मौत हो गई है, वहीं कई अन्य घायल हुए हैं। खबर के मुताबिक हादसा लद्दाख के तुरतुक सेक्टर में शयोग नदी के पास हुआ है। इस जानकारी मिलने के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बचाव अभियान के तहत घटनास्थल से निकाले गए घायल जवानों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती किया गया। ये हादसा थोइस एयरबेस से लगभग 25 किलोमीटर दूर हुआ है। खबर के मुताबिक बस करीब 50 से 60 फीट की गहराई तक गिरी है। भारतीय सेना की ओर से बयान जारी किया गया है। इसमें सेना ने कहा है कि 26 सैनिकों का एक दल परतापुर में ट्रांजिट कैंप में सब सेक्टर हनीफ में आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान बस सड़क से फिसल कर शयोग नदी में गिर गई जिससे सभी लोग घायल हो गए। सेना की 20 किन कारणों से सड़क से फिसल कर नदी में गिर गई ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। बाद में भारतीय सेना ने जानकारी देते हुए बताया ये सुनिश्चित करने की कोशिश चल रही है कि घायलों को बेस्ट मेडिकल केयर दी गई है या नहीं। वहीं ज़्यादा गंभीर रूप से घायल सैनिकों को वेस्टर्न कमांड शिफ्ट करने के लिए वायुसेना की मदद भी ली जा रही है। पीएम ने जताया है दुख और इस घटना पर राजनीतिक प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट में लिखा है कि लद्दाख में हुई बस दुर्घटना से दुखी हूं जिसमें हमने हमारे बहादुर जवानों को खो दिया है। मेरी संवेदनाएं दुख ही परिवार के साथ है। मैं घायलों की जल्दी रिकवरी की कामना करता हूँ। घटना में प्रभावित हुए लोगों को हर संभव मदद दी जा रही है। आगे खबर के मुताबिक घटना के बाद सभी जवानों को परतापुर के 403 फील्ड अस्पताल पहुंचाया गया है और लेह से सर्जिकल टीमों को परतापुर भेज दिया गया है।